डॉक्टर अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर चित्रा सिंह है, मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ, साथ ही लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कंसल्टेंट भी हूँ। डॉक्टर, इन दिनों देखा जा रहा है कि बहुत जल्दी लोगों को शुगर हो जा रहा है, चाहे कम उम्र में भी शुगर हो जा रहा है। शुगर होने का क्या कारण है और इसे रोकथाम के लिए लोग क्या किया जाए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैं दिन भर सबसे ज़्यादा मैं डायबिटीज़ के पेशेंट ही देखती हूँ। और अभी जैसे कि जो हम लोग बुक्स में पढ़े हैं थ्योरी थ्योरी बेस में कि दो तरह के डायबिटीज होते हैं, मॉडर्न में भी देखते हैं तो दो तरह के ही डायबिटीज बताए गए हैं, टाइप 1 और टाइप 2। क्योंकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ तो पहले मैं जैसे कि आयुर्वेद में भी हमारे बहुत पहले आज से हजारों वर्ष पहले कहा गया है कि प्रमेह रोग को महारोग में भी माना गया है। 8 तरह के महारोग होते हैं जिसमें से कि एक प्रमेह है यानी डायबिटीज है, दूसरा ओबेसिटी। तो वही वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह के डायबिटीज हैं। टाइप 1 जो कि बच्चों में होता है, जनरली जेनेटिकली उसको देखा गया है बच्चों में होता है, और टाइप 1 का पेशेंट लीन एंड थिन होता है, दुबला पतला होता है। क्योंकि उसके पीछे का कारण है कि उन बच्चों में या जो टाइप 1 के पेशेंट हैं उनमें इंसुलिन नहीं बनता है, जो हमारा पैनक्रियाज है उससे हॉर्मोन्स रिलीज होता है इंसुलिन, जो कि ग्रोथ हॉर्मोन्स भी है, और इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने का काम करता है। तो एक टाइप 1 हो गया जिसको आयुर्वेद में हमारे कृष प्रमेह ही बोलते हैं कि दुबला प्रमेह और मोटापा वाला प्रमेह। दूसरा है टाइप 2, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा हमारे घरों के आज सब में ही देखा गया है, बच्चों से लेके बड़ों तक में, खासतौर से जो मिडिल एज है, यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, इनमें भी देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लाइफ स्टाइल खराब होना, खाना और सोना, स्लीपिंग और डाइट, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग खा बहुत रहे हैं और सो कम रहे हैं, और एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, पैदल नहीं चलना है बिल्कुल भी। बस जब से बच्चा छोटा होता है तो वो स्कूल जाता है, और आजकल मोबाइल टीवी की वजह से बाहर की आउटिंग बंद हो गई है, बच्चे ने खेलना बंद कर दिया है, वो मोबाइल में ही खेल रहे हैं, और घर पे अच्छी डाइट ले रहे हैं, खाने में पैकेट फूड का चलन ज़्यादा हो गया है, रेडी टू ईट, मतलब बस आया घर में और खोला और खा लिया, बेकरीज आइटम खास तौर से बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सीरियल्स जो खास पैकेट में बंद आता है, जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब का प्रचलन बहुत हमारे समाज में देखा जा रहा है। और ये सब खाने इनमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज होता है, जबकि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, पचने के बाद कार्ब है और पचने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज को पचाने के लिए आपको एनर्जी लॉस करना ही होगा, वॉक करना होगा, दौड़ना होगा, खेलना होगा, किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज करनी होगी, नहीं तो वो ग्लूकोज इकट्ठा होगा, क्योंकि ग्लूकोज हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। हमारा बॉडी जो बना है वो फैट और प्रोटीन से बना है, हमें फैट और प्रोटीन की ही ज़्यादा ज़रूरत है, सब्जियों की ज़्यादा ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, विटामिन्स की ज़रूरत है, तो ये सब सब्जियों से मिलते हैं, जो भी विटामिन है, मिनरल है। जैसे अभी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लोगों को विटामिन D3 की बहुत कमी हो रही है, जबकि हम लोग हिंदुस्तानी लोग, इंडियन लोग, इतना ज़्यादा हमारे पास धूप है, उसके बावजूद भी हमें विटामिन D3 की कमी हो रही है। तो विटामिन D3 का सोर्स ज़्यादा सन है, 80-90% सन है, और फूड से बहुत कम मिलता है, और एग से, मिल्क से मिलता है, पर प्रॉपर उतना कोई लेता नहीं है। तो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है, पैकेट फूड खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो जब वो मिडिल एज में आता है तो उसको पहले ओबेसिटी होती है, उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज में वो कन्वर्ट हो जाता है।